So, पिछले कुछ दिनों से मेरे Instagram inbox में जो सबसे ज्यादा पूछे गए questions हैं उनमें Creta ले या Seltos ले, Creta में कौन से variants लेने जैसे हैं या Seltos में कौन से variants में जाना जैसा है और कौन से variants जो है वो ज्यादा value for money होंगे और comparatively कौन सा better variant रहेगा अगर मुझे mid में जाना है, अगर मुझे high end में जाना है दोनों cars में से, ये सारे क्वेश्चंस में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कंफ्यूज्ड है और आप तो जानते ही है कि मेरा तो काम ही यही है कि आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करना। सो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि Creta और Seltos के बीच में अगर ऑन पेपर या तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की जाए तो किस तरह से ये कंपैरिजन होगी और क्या क्या ऐसे जो है वो फैक्टर्स रहेंगे जो आपको कंसिडर करने होंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग आइदर ऑफ दीज टू। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो यस थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन यस एक बायर के लिए सारी वो चीजें जो जाननी जरूरी होगी ऐसी सारी चीजें इस एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम प्रिटी श्योर कि सारी वो चीजें कंप्लीटली मालूम पड़ जाए और एट द एंड आप एक कंक्लूजन पे जरूर आ जाए कि कौन सी कार ली जाए और कौन सी पर्टिकुलर कार में कौन सा वेरियंट लिया जाए आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सो आइए ये वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी का ये एक्साइटिंग Creta वर्सेस Seltos के बारे में एक कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो। सो सबसे पहले मैं एक मिथ को क्लियर करना चाहूंगा कि जो Seltos है वो Creta से बड़ी है। यस, लुक्स के हिसाब से, लुक्स के मामले में थोड़ी सी ज्यादा एज है Seltos के पास और हम उस लुक्स से थोड़ा सा यूज टू जरूर हो गए, लेकिन ये जो कंपैरिजन है लुक्स के हिसाब से नहीं की जाएगी, ये की जाएगी डायमेंशंस के हिसाब से। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डायमेंशंस के फिगर्स जो है वो मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि बहुत ही कम डिफरेंस है। लेंथ में Seltos सिर्फ और सिर्फ 15 mm, विड्थ में सिर्फ 10 mm और रूफ रेल्स को मिला के सिर्फ और सिर्फ 10 mm जो है वो हाइट में Seltos Creta से बड़ी है। अब 10 mm के लिए अगर मैं एक रेफरेंस दूं आपको तो ये मेरे पास जो है वो एक छोटी सी स्केल है। इस स्केल में 1 cm तक आप जाएंगे, ये जो लेंथ हो गई वो 10 mm की लेंथ हुई, 1 cm यानी कि 10 mm, तो इतनी ओवरऑल लेंथ और 15 mm यानी कि 1.5, तो इतनी ओवरऑल विड्थ। तो मेरे हिसाब से ये जो 10 और 15 mm के डिफरेंस है वो यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करते। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों कार बनी है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो व्हील बेस और बूट स्पेस है वो भी इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटीरियर स्पेस में आपको कोई भी कार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस आपको कंप्लीटली सिमिलर डायमेंशंस के साथ ये जो दोनों कार्स है वो अवेलेबल है। तो अब आपका मिथ जो है वो Creta छोटी है और Seltos बड़ी है, वो मिथ आई थिंक मैंने बस्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस को क्लियर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि इंजन एंड परफॉर्मेंस। लेकिन यहां भी आपको मालूम ही है कि ऑल द इंजन्स आर ऑफर्ड इन सिमिलर वे, सिमिलर परफॉर्मेंसेस, तो यहां पे परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे दोनों ही कार्स में। आप देख सकते हो पेट्रोल एंड डीजल दोनों के, पेट्रोल के दोनों मॉडल्स और डीजल के जो सिंगल 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन है वो सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने है। एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि Creta जो है उसमें एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि 1.4 लीटर वाला जो टर्बो इंजन है उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। अब ऐसे में मैं पर्सनली बीइंग अ मैनुअल ट्रांसमिशन फैन यहां से थोड़ा सा Creta को छोड़ के Seltos के ऊपर थोड़ा सा लीन करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार को तो स्पेशली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही चलाना प्रिफर करूंगा। लेकिन ट्रांसमिशन की बात में से यहाँ पे मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि प्रैक्टिकलिटी के फैक्टर के हिसाब से देखे तो यस प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि आपके पास अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो और आपको ज्यादातर आपकी कार जो है वो सिटी ड्राइविंग में यूज करनी है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यूज करनी है तो ऑलवेज प्रिफर टू गो विथ द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इफ अवेलेबल।
तो ये क्रेटा ने सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्रेटा के इंजिन्स को अप टू 0.5 kmpl की ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने के लिए ट्यून्ड किया गया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन यस फिगर्स में जो वेरिएशंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब परफॉर्मेंस एंड डाइमेंशंस जैसे फैक्टर्स को हमने कंपेयर कर लिया है, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्राइसिंग है दोनों कार्स की। अब कंपैरिजन हो रही है तो सारे वेरिएंट्स की कंपैरिजन होनी चाहिए, तो दोनों मॉडल्स की, दोनों कार्स के सारे मॉडल्स की जो है वो प्राइस की कंपैरिजन अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, और आप क्लियरली देख सकते हो सारे मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। प्राइस डिफरेंस के वेरिएशंस यस बहुत सारे हैं। क्रेटा कुछ मॉडल्स में सस्ती है, सेल्टोस कुछ वेरिएंट्स में कॉस्टली है, तो ये जो है वो वेरिएशंस जरूर है। लेकिन आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको प्राइसिंग इस तरह से समझ में नहीं आ पाएगी, और इतने सारे वेरिएंट्स और इतने सारे डिफरेंसेस और ये सारी चीजें आपको ज्यादा कन्फ्यूज करेगी। तो अब आपको ज्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम अभी करते हैं फीचर्स के जो डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस, उन सारे डिफरेंसेस की कंपैरिजन, और क्या एक्चुअल में आपको लेना चाहिए, कौन से मॉडल में आपको जाना चाहिए अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट के साथ स्टिक टू रहने का प्लान है। सो क्रेटा आपको सेल्टोस के ऊपर क्या दे रही है, तो कॉमन फीचर्स में तो आप देख सकते हो सेल्टोस HT से ज्यादा क्रेटा में क्या ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में अगर हम देखें तो यस 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाती है विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विथ फ्रंट स्पीकर्स, फ्रंट ट्वीटर्स, राइट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS अगेन एक जरूरी चीज है, फ्रंट USB चार्जर, LED पोजिशनिंग लैंप्स, पावर एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स ORVM विथ LED टर्न इंडिकेटर्स। तो मेरे हिसाब से एक बेस मॉडल में ऑफर किए जाने वाले फीचर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और बेस मॉडल में ही आपको डे टू डे यूजेज के लिए सारी वो जरूरी चीजें मिल जाती है। अब सेल्टोस HT ओवर क्रेटा EX की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 16 इंच के स्टील व्हील्स विद फुल व्हील कवर्स, नथिंग एल्स, कोई भी एडिशनल फीचर्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पे सारे जो पिक्चर्स आएंगे वो सारे पिक्चर्स के नीचे मैंने अपनी वर्डिक्ट जो है वो दी हुई है, आप इन सारे पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको इन फीचर्स में से कुछ भी ऐसी चीज लगे जो आपको ज्यादा समझनी है, इन डिटेल समझनी है, और आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मत भूलना। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेटा S वर्सेस किया सेल्टोस HT के प्लस। यस, तो कॉमन फीचर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मैं कॉमन फीचर्स के बारे में अब बात नहीं करूंगा। तो अब बात करते हैं क्रेटा S सेल्टोस HT के प्लस के ऊपर कौन से फीचर्स दे रही है। ऑटो AC, LED टेल लैंप्स और रियर में USB चार्जर, इन तीन फीचर्स सेल्टोस के ऊपर दे रही है क्रेटा S, और सेल्टोस HT के प्लस जो क्रेटा S के ऊपर जो फीचर्स दे रही है उनमें शामिल है हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, पावर फोल्डिंग ORVMs, LED साउंड मूड लाइट्स, ये एम्बियंस लाइटिंग्स के लिए है, LED DRLs, 16 इंच के एलॉय व्हील्स, यहाँ से एलॉय व्हील्स जो है वो सेल्टोस में स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइसिंग जो है वो अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन पावर विंडो, तो ये जो फीचर्स है वो आपको सेल्टोस में क्रेटा से एडिशनल बेसिस पे मिल रहे हैं। अब अगर प्राइस डिफरेंस देखें तो 23,000 रुपीस का प्राइस डिफरेंस है और क्रेटा ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेरे हिसाब से कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स भी सेल्टोस में ज्यादा है इस वाले मॉडल में HT के प्लस में, और यहाँ पे प्राइस भी कम है, तो मेरे हिसाब से ये जो वेरिएंट है उस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको जाना चाहिए सेल्टोस के साथ HT के प्लस में। फीचर्स भी ज्यादा है और आपको प्राइसिंग भी कम मिल रही है। इसके बाद देखते हैं SX, क्रेटा SX वर्सेस किया सेल्टोस GT के, जी यानी की परफॉर्मेंस लाइनअप। तो याद रखिएगा GT के कम्स विद 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि ज्यादा पावरफुल है, और क्रेटा SX पेट्रोल में 1.5 लीटर के साथ कम पावरफुल इंजन के साथ आती है। कॉमन फीचर्स अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्रेटा SX ओवर सेल्टोस GT के क्या ऑफर करती है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है।
पेडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, HSE हिल स्टार्ट असिस्ट, 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग, पेनोरामिक सनरूफ और रियर सीट में हेडरेस्ट कुशन। किया सेल्टोस GTK की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, जो कि अगेन इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं कहूंगा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, बहुत बहुत कॉमन सी चीज है, लेदरेट सीट्स, मल्टीकलर LED साउंड मूड लाइटिंग और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स एंड मेटल पेडल्स। सो ये एक विन-विन सिचुएशन कहूंगा। लेकिन 1.4 अगर आपकी जरूरत ना हो तो क्रेटा जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अपनी प्राइसिंग की वजह से, 13.46 लाख रुपीस की एक शोरूम प्राइसिंग की वजह से। इसके बाद बात करते हैं क्रेटा SX वर्सेस किया सेल्टोस HTX। अब 1.5 लीटर के दोनों इंजिन्स हैं और यहाँ पे कॉमन फीचर्स आप देख सकते हो। कॉमन फीचर्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉमन फीचर्स हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग और चाइल्ड सीट एंकर्स। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब क्रेटा SX के बारे में बात करें तो रियर डिस्क ब्रेक्स यहाँ से स्टार्ट होगी, पेडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, ESC, VSM, HSE, पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट में हेडरेस्ट कुशन और वायरलेस चार्जिंग। इसके अलावा सेल्टोस HTX में जो क्रेटा से ज्यादा मिल रहा है वो है TPMS with exact PSI rating, telescopic steering wheel adjustment, leatherette seat, multicolor LED sound mood lighting, height adjustable front seat belts और auto dimming IRVM with smart air purifier। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे सेल्टोस हालांकि ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी फीचर्स का पैकेज मिल रहा है आपको क्रेटा में वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं SX DCT वर्सेस किया सेल्टोस GTX DCT। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा बढ़ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपनी परफेक्ट कार जो है इन दोनों में से सिलेक्ट कर लेंगे, विद परफेक्ट ऑप्शन टू गो विद, परफेक्ट वेरिएंट टू गो विद। कॉमन फीचर्स यस आपके सामने मौजूद है। एडिशनल सेल्टोस में आपको क्या मिल रहा है उसके बारे में देखते हैं। TPMS विद एग्जैक्ट PSI रेटिंग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 8 इंच की हेडसअप डिस्प्ले। यस 8 इंच की हेडसअप डिस्प्ले, मैं रिपीट करके इसलिए बोला क्योंकि ये एक जरूरी चीज नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है। 7 इंच की कलर डिस्प्ले क्लस्टर, ये डिस्प्ले क्लस्टर जो है वो एक बार आपको देखना होगा क्योंकि ये वाकई ही अट्रैक्टिव है देखने में भी, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा ज्यादा इंट्यूटिव कह सकते हैं इसे, और यस दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यूवी कट ग्लास, सोलर ग्लास यहाँ से आपको मिलता है जो कि सन रेज को कहीं कुछ हद तक आपको ब्लॉक करने में हेल्प मिलेगी, और आपकी आईज के लिए लंबे डिस्टेंस की ड्राइविंग में आपकी आईज में स्ट्रेन कम हो इसमें थोड़ा सा हेल्प आपको जरूर करेगी। LED साउंड मूड लाइटिंग, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, टोटल 6 एयरबैग्स यहाँ पे आपको मिलेगी, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और लेदर अपहोल्स्ट्री, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट पैकेज कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम किया सेल्टोस के ऊपर क्रेटा SX DCT में क्या मिल रहा है सेम वेरिएंट में, तो पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, पेडल शिफ्टर्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इनके लिए, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड ऑप्शन, अगर आप मेरे पर्सनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये किया सेल्टोस GTX DCT वुड बी द आइडियल ऑप्शन टू गो विथ इन दिस प्राइस रेंज, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर वेरियंट में क्रेटा में मिस हो सकती है, और अगेन प्राइस डिफरेंस जो है वो बहुत कम है तो जस्टिफिकेशन बहुत इजीली हो सकता है किया सेल्टोस की एडिशनल 13,000 रुपीस की प्राइस के साथ। अब बात करें टॉप एंड मॉडल के बारे में, तो ये टॉप एंड मॉडल में आपके सामने कॉमन फीचर्स मौजूद हैं, तो पैनोरामिक सनरूफ, रियर सीट हेडरेस्ट विथ कुशंस, पेडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, पेडल लैंप्स, 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इसको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं जरूर कहूंगा। अब सेल्टोस GTX DCT क्रेटा SX ऑप्शन 80 के एडिशन में क्या देती है, 8 इंच की हेडसअप डिस्प्ले, यूवी कट सोलर ग्लास, LED साउंड मूड लाइटिंग्स और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट,
टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, आई एम स्टिल वंडरिंग कि अब तक ये चीज एसएक्स ऑप्शन 80 तक क्यों आ गई, यानी जीटीएक्स डीसीटी तक क्यों आ गई। ये तो अब बेस वेरिएंट में मिलना चाहिए, ऐसा फीचर है जो कि हम किया और Hyundai जैसी ब्रांड्स के पास तो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, मेरे वर्डिक्ट में भी मैंने यही लिखा है, लेकिन लास्ट लाइन लास्ट सेंटेंस जरूर पढ़िएगा, आई स्टिल गो विथ क्रेटा हियर। अब सबसे टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो Hyundai क्रेटा SX ऑप्शन डीसीटी वर्सेस किया सेल्टोस GTX प्लस डीसीटी। कॉमन फीचर्स आपके सामने हैं जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बोस की प्रीमियम साउंड सिस्टम विथ 8 स्पीकर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो सिस्टम है वो वाकई ही कमाल की होगी। ये जो कमाल होगा वो बोस की सिस्टम का होगा, ना कि इन प्रोडक्ट्स का, इन कार्स का, राइट? तो अब बात करते हैं क्रेटा में सेल्टोस के इस वेरिएंट से एडिशन में क्या मिल रहा है। तो बहुत ही कम चीजें मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, पेडल शिफ्टर्स। इसके अलावा अगर हम सेल्टोस GTX प्लस के बारे में देखें जो कि डीसीटी में है, और SX ऑप्शन डीसीटी के ऊपर कौन से के एडिशन में कौन से फीचर्स एडिशनली मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एलईडी साउंड, मूड लाइटिंग, 8 इंच की हेड्स अप डिस्प्ले और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑब्वियस रीजन है कि आपको सेल्टोस पिक करनी चाहिए अगर आप प्रीमियम टॉप एंड रेंज में जाना चाहते हैं। 9000 रुपीज ऑनली का डिफरेंस है, लेकिन 9000 रुपीज में आप ही देख लीजिए आपको क्या क्या एडिशनल मिल रहा है। तो आइए एक स्लाइड शो देख लेते हैं और क्रेटा के सारे वेरिएंट्स में सारे फीचर्स और प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। कि आपको सारे मॉडल्स, सारे वेरिएंट्स, सारे फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, डाइमेंशंस, क्रेटा, सेल्टोस, किया, Hyundai, सारी चीजें और मोस्ट इंपोर्टेंटली प्राइसिंग और प्राइसिंग का डिफरेंस, इन सारे फैक्टर्स में आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। अब आपके लिए ये सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान होगा कि कौन सी कार अपने लिए ली जाए, कौन सा वेरियंट लिया जाए और कौन से वेरिएंट में जो फीचर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, ये बेसिक सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैंने अपना पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चंस ना रहे इन दोनों कार्स में। और इसी बात पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा। आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करके जाइए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी ऐसी इंफॉर्मेशंस के साथ रेगुलरली अपडेटेड रहे तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरे लिए इट मींस अ वर्ल्ड टू मी। सो इतना जरूर करते जाइए और यस, जाने से पहले लाइक बटन प्रेस जरूर कर दे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ एंड लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।